नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, चूंकि सत्र छोटा है और ऐतिहासिक सत्र है, ऐसे में विपक्ष को भी पूरा साथ देना चाहिए क्योंकि संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा होनी है। लेकिन अमित, एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से तमाम सांसद इस सत्र की शुरुआत में कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, तो वाकई इंतजार करना पड़ेगा चौंकाने वाले फैसले। और छोटा सा कमेंट अशरफ जी से, अशरफ जी, लग रहा है कि विपक्ष पूरा सपोर्ट करेगा शांतिपूर्वक? लगता तो नहीं है, क्योंकि देखिए जैसा पहले सत्रों में हुआ है, विपक्ष के रुख में कहीं कोई तब्दीली नहीं है, उनके रुख अभी भी बहुत सख्त है, उनमें कहीं कोई नरमी नहीं। अभी हाँ, मेरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से बात हुई, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार हमें विश्वास में ले, चोरी चोरी छुपके छुपके फैसले ना ले, वो उनकी आदत है। तो उससे आप बहुत समझ लीजिए कि सरकार का विपक्ष के रुख में कोई बदलाव नहीं है, वो उसी तरह से अपनी धार देगी और हमला उसी तरह से करेगी जैसे वो पहले करते ठीक है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। निरंजन जी, विपक्ष की अपनी आशंका है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि रोने धोने का सत्र नहीं है, संदेश बहुत साफ है। निश्चित रूप से अमित जी, देखिए ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर जो संसद भवन है ये राष्ट्र की महापंचायत है, और इस महापंचायत के अंदर आकर अगर विपक्ष मान लीजिए सरकार को किसी भी मुद्दे के ऊपर घेर सकता है, सरकार को सकारात्मक विपक्ष की अगर भूमिका निभाएगा तो मेरे हिसाब से विपक्ष का भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो संसद का उद्घाटन हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो, अगर हर मुद्दे के साथ रोक रहा हूं, सदन में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधा आपको लेकर चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, एक मिनट, प्लीज, माननीय सदस्य, मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट बता रहा हूं मैं, माननीय सदस्यगण, चलिए माने जो एक मिनट प्लीज, हाँ प्लीज बैठ, प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं प्लीज बैठिए, व्यवस्था दे रहा हूँ। प्लीज माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा, इसमें पॉइंट ओके। प्लीज प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है मैंने, चूप नाउ, जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज ओके। प्लीज अब क्या तरीका है, माननीय सदस्य, मैंने सारी बात, एक मिनट आप बैठिए, प्लीज बैठिए। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है, कभी टेक्निकल चूक हो जाती है मैं सारे विषय की जांच कराऊंगा, ओके प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, माननीय प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए, बैठिए प्लीज, विषय आपको मौका देंगे, प्लीज ऐसे क्या, आप हमारे अभिभावक हैं, हाँ चलिए प्लीज, कोई अपमान होता हमें, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है, ओके प्लीज, आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज माननीय सदस्यगण,
नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संवेदनशील मुद्दों पर भी सबकी सहमति बनी। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि भारत के नेतृत्व एवं सक्रिय प्रयासों के कारण वैश्विक उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के पाटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। ये विश्व में भारत के ऊंचे कद और बढ़ती प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त G20 पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन किया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, कैसे पूरे देश ने इसे अपना इवेंट बना लिया उसका जिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से G20 सफल रहा उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई निरंजन पोद्दार साहब, हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में कह दिया था कि शोर शराबे का ये सत्र नहीं है, ये सत्र रोने धोने का नहीं है, ये सत्र कामकाज का सत्र है। रोने धोने का सत्र फिर कभी? देखिए अमित जी, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से जनता लोगों को चुन करके अपने यहाँ अपने प्रतिनिधि और माननीय बना करके संसद में भेजती है और उसके बाद में उस जनता की बातों के ऊपर, उस जनता के कामों के ऊपर, जनता की भलाई के लिए अगर संसद के अंदर चर्चाएं नहीं होती है, संसद के अंदर अगर पक्ष विपक्ष दोनों मिला करके अगर संसद के अंदर उस चीज को सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं, तो अमित जी मेरे हिसाब से ये उस जनता के साथ धोखा है। और जो विशेष सत्र की बात चल रही है, तो आज आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर, एक चाहे इसको संयोग कहें या इसको प्रयोग कहें, कि जब भी हमारा संसद सत्र शुरू होने वाला होता है उससे पहले कहीं ना कहीं किसी विदेश से कोई ना कोई रिपोर्ट छप जाती है, चाहे वो हिडनबर्ग की हो, चाहे वो पेगासस की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, और उसके ऊपर पूरा का पूरा सत्र धुल जाता है। तो जो सरकार जो जनता के हित में जो चीजें लेकर के आना चाहती है, जो बिल पास करवाना चाहती है, सरकार कहीं ना कहीं अपना काम पूरा नहीं कर पाती। विश्व के शीर्ष नेतृत्व को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक अद्भुत दृश्य था। उन सभी ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक विचार और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करने, उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्थन किया। इस विभाजित विश्व में स्थिरता, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक बहुपक्षवाद के लिए यह महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, G20 का दृष्टिकोण
अर्थ केंद्रित न होकर अब व्यापक रूप से मानव केंद्रित हो गया है। सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने, हरित विकास समझौतों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल करने, प्रारंभिक चिकित्सा की भूमिका को मान्यता दिए जाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई वह सराहनीय है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, विश्व स्तर पर कार्य के अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के माध्यम से सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा, कौशल की कमी और गतिशीलता की समस्या का समाधान करना, ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग, MSME की सहायता करना और जैव ईंधन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। इनका लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों से एक कनेक्टेड भविष्य की नींव रखी गई है जिसमें आगे भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। पर्यावरण समर्थन के लिए लाइफ संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अंगीकृत किए जाने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता को विकसित देशों द्वारा स्वीकार किए जाने से इस क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। भारत की अध्यक्षता में महिलाओं और आपदा जोखिम को कम किए जाने के बारे में G20 कार्य समूह के गठन के साथ साथ स्टार्टअप पर एक नए G20 की स्थापना के रूप में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में डक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोडमैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोडमैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक